हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक अमेजिंग सी रेसिपी आप सब व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आपको हमारी कुकिंग की रेसिपीज़ बहुत पसंद आती हैं, कुकिंग वीडियोस बहुत पसंद आती हैं। तो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक के लोग बनाते हैं, शायद बनाते भी होंगे लेकिन हम नहीं बनाते थे, तो ये मैंने भी इधर ही स्टार्ट किया है बनाना। तो चलें फिर हमारे किचन में चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। तो जी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं एक अमेजिंग रेसिपी जो कि है मैश्ड पोटैटो विद कीमा एंड वेजीज। तो आप इसको पाई भी कह सकते हैं क्योंकि हम वैसे बनाने वाले हैं लेयर्स के साथ। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो हैं कैरेट, और हमने ली है बेल पेपर, रेड वाली ली है, और साथ में है अनियंस और पीज लिए हैं, ये फ्रोज़न लिए हैं हमने, तो यहाँ से हमें फ्रोज़न अवेलेबल होते हैं कनाडा में, तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में हमने ली है बेबी स्पिनच और साथ में ली है ब्रोकली। और इसके लिए एक और इंग्रेडिएंट है कीमा। ओके, तो कीमा और साथ में है मशरूम्स, तो वो अभी मैंने काटे नहीं थे तो क्योंकि ये जल्दी ब्लैक हो जाते हैं काटने के बाद, क्योंकि हमारे जो पोटैटोज हैं वो अभी बॉईल हो रहे हैं, तो अभी फिर हम जब वो बॉईल होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पोटैटोज भी जो हैं वो बॉईल हो चुके हैं और अभी हम हमारा तैयार कर लेते हैं कीमा और वेजीज। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है और इसमें जो हमारे प्याज और बाकी वेजीज हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और लेकिन मशरूम्स और स्पिनच हम लोग एंड में ऐड करेंगे। तो अभी ये जा रही है बेल पेपर, ये सारी फ्रेश सब्जियां हैं, इनका बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। और साथ में अभी जा रही है गाजर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने, बस थोड़ा सा पकाना है, जस्ट लाइक अ स्टिर फ्राई करना है, उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हमें थोड़ी कच्ची पकी सब्जियां चाहिए क्योंकि बाद में ये ओवन में जाएगा। तो अभी मैं आया हूँ अभी किचन में, तो क्योंकि रोशी बना रही थी फूड तो उसने वीडियो स्टार्ट की, मैंने कहा चलो जितनी देर वो कुक कर रही है तो मैं उतनी देर कैमरा मैन बन जाता हूँ, दोनों मिलकर वीडियो बन जाएगी। तो ये हेल्दी फूड है, ये बड़ा अच्छा वेजिटेबल्स का हम प्रेफर करते हैं कि फूड जो है वो खाएं। तो आपने हमारी रेसिपीज देखी होंगी, उनमें जुकीनी, कैरेट और स्पिनच, ये सारे चीज़ें जो हैं बहुत हेल्दी होती हैं और हम वेजिटेबल्स प्रेफर करते हैं। हम गोश्त भी बनाए तो उसमें भी डाल देते हैं अक्सर। ये वाली वेजीज हमने पहले इसलिए डाल दी हैं, जो कैरेट है वो स्पेशली जो है वो थोड़ा टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए पहले इनको पका लेंगे। और साथ में अभी साथ ही में कीमा भी थोड़ा 5 मिनट अभी इसको पकाया है हमने, इसको अब कीमा ऐड कर देंगे इसमें। तो कीमा जा रहा है इसमें, कीमा जो है उसको थोड़ा सा पका लेंगे, फिर उसके बाद जो है अभी इस पॉइंट पे इसमें सारे मसाले जो हमारे हैं वो ऐड कर लेंगे, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर जो है वो डालना। तो इसमें गई है ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, और ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के हिसाब से आपने डाल देना, और साथ में अब जा रही है ओरिगैनो, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी इसमें गया है सॉल्ट, हो गई है हमारी कैरेट्स और कीमा, अब इसमें डालेंगे हम पीस। हाँ, मटर का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इस रेसिपी में, साथ में स्पिनच हम धो के तो उसको ऐसे ही डाल देते हैं क्योंकि इसका पता तो चलेगा नहीं अभी गायब हो जाएगी, ये अभी इसका पता ही नहीं लगना, ये बेबी स्पिनच है। तो ये शायद आपको थोड़ी लगती हो कि ये डिफ़िकल्ट रेसिपी है, हमें तो अब इनकी आदत हो गई है, ये सारी चीज़ें घर पे पड़ी होती हैं, तो सारी चीज़ें हमारे घर पर पहले से मौजूद हैं, तो उनमें से थोड़ी थोड़ी निकालते हैं और एक रेसिपी जो है वो अच्छी सी बन जाती है। तो हमने बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, इसमें पानी नहीं डालना है,
तो जी देखें, अब हमारी स्पिनच जो है उसका पता ही नहीं चला ऐसी हो गई है। हाँ ठीक है, स्पिनच हो गई तो ये इसलिए वो हम काट से नहीं है, तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कभी डाली भी थी टेस्ट भी करा नहीं। तो अभी इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं कोरिएंडर, देखें कितनी फ्रेश लग रही है वेजी, और साथ में ऐड कर रहे हैं हमारी मशरूम्स। अगर आपके पास मशरूम अवेलेबल नहीं भी है तो इट्स ओके, आपके पास जौन सी वेजीज जो आपको पसंद है वो अवेलेबल हैं, आप वो डाल सकते हैं। गाजर और मटर ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, पालक भी, कीमा भी, प्याज भी इसमें वो भी अवेलेबल है। सारी है, ब्रोकली नहीं मिलते तो आप वाइट गोभी भी डाल सकते हैं इसमें। हाँ वेजीज जौन सी भी आपको पसंद है जी। हमारे ये जो स्टफिंग है, जो हमारा कीमा और वेजीज हैं, वो हाफ कुक हो चुकी हैं। अभी इनको हम फ्लेम जो है वो ऑफ करने लगे हैं और साइड पे रखेंगे ठंडा होने के लिए, तब तक हम हमारे पोटैटोज रेडी कर लेते हैं। ये हमारे जो बॉयल्ड पोटैटोज हैं उनको हम क्रश कर लेंगे, और आप इनको मैश जिस भी चीज़ से आप हाथ से कर सकते हैं, फोर्क के साथ कर सकते हैं कि जल्दी से वो हो जाता है। जो कद्दू क्रश होता है ना, ये जो वैसे श्रेडर के साथ श्रेड कर लें, ये ज़्यादा इजी जल्दी से हो जाता है और बहुत जल्दी वाला काम है ये। दो तीन मिनट में छीलें और श्रेड कर लिए। हमने जो है हमारे पोटैटोज ऐसे फैला दिए हैं एक लेयर, जिस काइंड ऑफ लज़ानिया यू नो, बट ये टोटली डिफरेंट है। लज़ानिया लेयर हमने लगा ली है वो ब्लैक पेपर और सॉल्ट आपने इसके ऊपर डाला है। हमने श्रेड किए हैं पोटैटोज इसलिए हम लोग पहले इसमें डाल रहे हैं, तो अगर कूट लिए हैं तो बीच में ही आप डाल के नमक मिर्च चेक करके अपना फिर डालें। अभी सॉल्ट जा रहा है इस पर तो ऐसे। स्मेल सब उसकी कीमे की और वेजीज की इतनी मजेदार आ रही है। चीज हम लोग ये यूज कर रहे हैं ब्लैक डायमंड की मोज़ारेला मोज़ा चेडर। या तो अभी एक लेयर हमारी जा रही है चीज की। तो अब ये लास्ट लेयर जो है वो हम लगाएंगे हमारी स्टफिंग की जो हमने तैयार की थी। पोटैटो की लेयर जा रही है लास्ट वन, उसके ऊपर फिर चीज। में दो दिन लगेंगे ख़त्म करते हुए, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो एक दिन में, तो हम तो बस एक इतना ऐसे छोटा सा स्लाइस ही लेंगे। कवर कर लेना है फॉइल के साथ। 30 मिनट्स के लिए जो है वो हम इसको लगा देंगे हमारी बेकिंग के लिए, तो अवन में। और इट स्मेल्स लाइक चीज पिज़्ज़ा। यू वांट टू ईट इट? ओके लेट्स ट्राई। ओके स्मेल्स सो चीज़ी एंड यम्मी, सो ग्रेट, I love it, but I haven't tried it. I ate it one time, but it's the second time I'm eating it. A nice, perfect cheesy piece. तो जी अब उजू और दीना हमें ट्राई करके बताएंगे कि ये कैसा है। यम्मी एंड चीज़ी। या स्टफ बहुत अच्छा अंदर लग रहा है, इट इज बिल्कुल जो है वो
It is a perfect slice. अच्छे से perfect बन गया. Perfect slice of lasagna. It's not really. Kind of. Do you like it? तो अगर आपको हमारी आज की ये कुकिंग की वीडियो पसंद आई है, हमारी रेसिपी पसंद आई है, तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. हम इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज, अच्छी अच्छी सी अमेजिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे. और बाय फॉर नाउ, टेक केयर.